हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, आज हम आपको कहेंगे कि आप अगर चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल के अंदर रोजाना 200 से लेकर 250 तक की सब्सक्राइबर को गेन करना, तो दोस्तों ये पॉसिबल है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ मेथड बताऊंगा, जिस मेथड की वजह से अगर आप चाहते हैं तो रोजाना 200 से लेकर 250 तक की सब्सक्राइबर अपनी खुद की YouTube चैनल में आप गेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका चैनल कोई भी टॉपिक के ऊपर हो। सो दोस्तों, मैं जो आपको मेथड बताऊंगा, ये मेथड कोई भी पर्सनल यूट्यूबर, अगर कोई खास यूट्यूबर होता है, कोई अगर बंदा समझता है अपनी चैनल को ग्रो कराना, वो कोई भी इस सभी टॉपिक्स को नहीं बताता है। अगर इन टॉपिक में अगर आपने फोकस कर दिया, सो दोस्तों आपका यूट्यूब का चैनल रोजाना ग्रो होगा, ये मेरा आपसे दावा है 100% गारंटी के साथ। सो दोस्तों, मैं आपको वही सारे टॉपिक में इस चैनल में आपको बताऊंगा, काइंडली अंत तक मेरे वीडियो के साथ आप लोग जुड़ रहिए। अगर आप में से कोई मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में आपको एक बेल आइकन मिलेगा जिसका प्रेस करके रखिए। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके बाद अगर कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते वीडियो। तो दोस्तों, आपको मैं अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है। आज मैं इस वीडियो में कुछ सारी आपको टैक्टिक्स बताऊंगा, आप उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट अगर हम टैक्टिक्स की बात करें, यानी फर्स्ट टॉपिक की, तो दोस्तों वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप चाहे तो अपनी वीडियो को, आपकी यूट्यूब वीडियो की जो थंबनेल होती है दोस्तों, उसको आपको बहुत ही अट्रैक्टिव एक थंबनेल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कलरफुल हो या ज़्यादा कलर भी उसमें ना हो। आपको एक बढ़िया 100% क्वालिटी का एक आपको थंबनेल बनाना पड़ेगा। इस थंबनेल की वजह से दोस्तों, जो लोग वीडियो आपको देखने भी नहीं चाहे, वो आपकी थंबनेल को देख के एक वीडियो में क्लिक भी करे, ये दोस्तों इंटरेक्शन बोलते हैं इसे। आप अपनी यूट्यूब का जो थंबनेल है, इसको बहुत ही अच्छी तरह आप क्रिएट कीजिएगा। सो फ्रेंड, सेकेंड टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन। तो मतलब ये होता है कि दोस्तों, आपकी जो वीडियो है, आपकी सभी वीडियो की जो अबाउट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप क्लियरली आप कौन हैं और आपका क्या डिटेल्स है, सब कुछ आप वहाँ पर अच्छी तरह उसको टाइप कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी व्यूअर्स अगर आपके वीडियो में आता है, अगर वो नया व्यूअर्स होता है, अगर उसे यूट्यूब के बारे में अगर पता है, सो दोस्तों वो आपकी किसी भी वीडियो की अबाउट को ज़रूर 100% वो चेक करेगा। उसमें दोस्तों आप कौन हैं और आप करना क्या चाहते हैं, सभी चीज़ें क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी हर एक वीडियो की अबाउट के सेक्शन में। और सेकेंड बात दोस्तों, इसके साथ वो भी आता है कि आपकी जो यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है, यानी सब्सक्राइबर, यानी जो व्यूअर्स कहीं भी, अगर कोई सब्सक्राइबर आपके वीडियो व्यूअर्स में अगर आते, यानी यूट्यूब चैनल में अगर आता है, जो विंडो होती है उनके लिए, सो दोस्तों वो आपको अट्रैक्टिव, आपकी जो लेंग्थ होती है, सब कुछ आपको अच्छी तरह आपको रखना है। इससे आप अपनी इंट्रोडक्शन, यानी आपके बारे में जो सामने से जो बंदा आपके चैनल को नजर आएगा, यानी जो देखेगा, वो समझेगा शायद इस चैनल में कुछ बात है। सो दोस्तों, उस तरह से आप अपने चैनल को इंट्रोडक्शन के लिए, आपकी जो माई फाइल जो साइट से, उसको आपको अच्छी तरह क्रिएट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, थर्ड टॉपिक है दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपकी जो यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है, उसे दोस्तों आपको अच्छी तरह से, यानी जो आपकी प्रोफाइल फोटो है, वहाँ पर एक आपका चैनल का लोगो या फिर आप अपना लोगो, एक अच्छा सा लोगो आप उसमें लगाइए। आपके चैनल की जो कवर पेज होती है, वहाँ पर दोस्तों आपकी चैनल के बारे में कुछ रिलेटेड वहाँ पर कुछ इमेज लगा सकते हैं, या फिर आपको कुछ छोटी सी छोटी यानी बातें अगर आप चाहें तो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और उस कवर को अच्छी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। उसका दोस्तों आप अपने चैनल को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, यानी आपने जो सारी वीडियोस को क्रिएट किया है, सभी वीडियो को दोस्तों हर एक सेगमेंट में आपको डिवाइडेड करके उसको अच्छी तरह मैनेज करके आपके चैनल में रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यूअर्स, समझ लीजिए कि आपने शायद इंटरनेट के बारे में या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में कुछ आपने वीडियो बनाया, या फिर आपका ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ वीडियो बनाया, तो दोस्तों उसको एक अलग से सेगमेंट कीजिए। सेगमेंट का मतलब ये होता है कि वो अलग से एक पार्ट
स्टार्ट हो जाएगा, उसमें दोस्तों वो एक पेज होगा जिसमें दोस्तों अगर आपकी जो भी सारे ऑनलाइन की वीडियो है, अगर कोई बंदा अगर एक वीडियो में क्लिक करे तो उनको ऑनलाइन के आपके चैनल के सभी वीडियो आपको एक साइट्स में आपको आ जाए। ये दोस्तों इसको बोलते हैं सेगमेंट क्रिएशन। ये दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, आप इसको आसानी से आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि जब आपको अगर आपको नहीं पता ये कहाँ होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी वीडियो जैसे ही आप डाउनलोड करते या जैसे समझ लीजिए कोई वीडियो को आपने अपलोड कर दिया, अपलोड की जगह में दोस्तों बेसिक जो पार्ट होता है यहाँ पर आप टाइटल लिखते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस थोड़ा स्क्रॉल करके जैसे ही दोस्तों आप नीचे आएंगे उसका राइट साइड में आपको मिल जाएगा सारे क्रिएशन के लिए। सो दोस्तों इस जगह में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको आप नहीं अगर आपके पास है तो आप इसको सेगमेंट क्रिएशन की वीडियो के लिए आप इसको मैनेज कर लीजिए। सो वीडियो फोर्थ टॉपिक दोस्तों है, फोर्थ टॉपिक में आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपकी जितनी भी सारे वीडियो है उसमें अगर कोई भी अगर कोई डिटेल्स आते यानी वहाँ पर अगर कोई कमेंट आते, सो दोस्तों उस सभी कमेंट का आपको आंसर देना है। कमेंट चाहे जो भी हो, अगर कोई कमेंट जो क्वेश्चंस यानी जो व्यूवर्स है वो जो आप ये सोच लीजिए कि अगर आपका बंदा कोई वीडियो क्यों देख रहा है, आपको पसंद करता है नहीं दोस्तों, उसको उस वीडियो की टॉपिक को उनका हेल्प चाहिए। तो बंदा अगर कोई आपको किसी भी वीडियो में कमेंट करे, मतलब दोस्तों हो सकता है कि आपके वीडियो उनको समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपके वीडियो उसकी कुछ टाइप है कुछ लाइंस उनको समझ में नहीं आया इसीलिए बंदा उसको आपको कमेंट किया है, भाई ये भी हो सकता है बंदा ने पूरा वीडियो देखा लेकिन आपको उनकी जो उनका जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप उस वीडियो में डिस्कस ही नहीं किए। सो दोस्तों इसीलिए बंदा आपको मैसेज करेगा, उस सभी मैसेज का जितने भी सारे आपके पास मैसेजेस आएंगे दोस्तों आपको सभी मैसेजेस का आंसर देना है। ये होता है दोस्तों कन्वर्सेशन, क्योंकि आप सामने से जब किसी को इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी वो बंदा आपके चैनल पे जाकर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और इसके बाद अगर कोई भी नोटिफिकेशन, आप बार बार बोलते हैं ना चैनल में कि आप नोटिफिकेशन बेल को दबा रखिए क्योंकि अलग से वीडियो के लिए, दोस्तों अगर अलग वीडियो वो आएगा तभी तो बंदा आपका देखेगा, अगर आप उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वो सामने से आपको क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। So, दोस्तों कन्वर्सेशन बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो आप किसी भी वीडियो में अगर कोई भी आपके पास कमेंट आए, सो प्लीज आप उसमें कन्वर्सेशन उनके साथ कीजिए। फिफ्थ टॉपिक है दोस्तों गिव अवे। आपको कुछ भी सारा सामान, यानी आप अगर समझ लीजिए कि आप एक टेक चैनल चलाते, तो टेक मतलब दोस्तों इसे यहाँ पर गैजेट की बात आ जाता है, कोई भी गैजेट को दोस्तों आपकी क्षमता से अगर आपको कोई भी गैजेट आपको मिलता है, आप उन गैजेट को महीने में एक बार आप किसी भी गैजेट को दोस्तों अगर उसकी कीमत 200 रुपया हो, 300, 400, 500 जो भी उनका कीमत हो दोस्तों, आप प्लीज़ महीने में एटलीस्ट महीने में एक बार किसी भी सामान को आप गिव अवे करें और एक हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट निकालें। ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में समझ लीजिए, मैं आपको सिंपल से एक फंडा बता रहा हूँ दोस्तों, आप आए हैं यूट्यूब में किस लिए, पैसा कमाने के लिए। सीधी से सीधी बात, आप यूट्यूब में आए हैं पैसा कमाने के लिए, आप कर रहे एक बिजनेस, आपको अगर बिजनेस चाहिए, बिजनेस में जब तक आप रुपया नहीं देंगे वो आपको कमा के पैसा नहीं देगा। सो दोस्तों बिजनेस अगर आपको करना है सो आपको कुछ देना पड़ेगा, इसी की वजह से आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा। सो दोस्तों सामने वाले को अगर आप खुश रखेंगे तो ही वो आपको खुश रखेगा। कोई भी दुकानदार समझ लीजिए, बड़ा बड़ा जो सारे मॉल्स वगैरह होती है दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ्स वगैरह होती है अच्छी ड्रेस पहनावे पे, और एसी फैंस की अच्छी एक साफ सफाई पूरा एकदम मेटल की रहती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, वहाँ पर शॉपिंग मॉल में दोस्तों एक अलग सा माहौल बनाया जाता है, इसके लिए भी एक खर्चा होता है, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें करते हैं। सो दोस्तों आप अपनी व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक महीने कोई भी एक सामान आप गिव अवे जरूर करें, और गिव अवे का जो रिजल्ट है वो एक हफ्ते के अंदर वो उसको निकाले, ज़्यादा लेट मत करें। और दोस्तों सिक्स टॉपिक, ये सिक्स टॉपिक दोस्तों आप लोगों के लिए जो लोग अभी तक मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं इसके लिए। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सभी में से, झूठ मत बोले। सो दोस्तों ट्रस्ट
आपका यूट्यूबर, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर, अगर आप एक सच्चे यूट्यूबर रहेंगे तो दोस्तों आपके पास ऑर्गेनिक व्यू, मैंने तो आपको थंबनेल में कहा था आज के डेली 200 से लेकर 250 तक की, लेकिन आप अगर लॉयल रहते हैं, अगर आप डेली सच बात कहते, आपकी वीडियो से जो भी सारे आप बात करते वो सब अगर 100% अगर सच होता है दोस्तों, आपको लॉयल्टी अगर मिलता है सामने से, सो दोस्तों आपको ऑर्गेनिक व्यू डेली, मैंने तो आपको 200 का कहा, आपको डेली 500 600 1000 तक की व्यू आपको आ सकती है सब्सक्राइबर। सो दोस्तों अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ अगर संपर्क बनाना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में अगर रखेंगे तो आपको डेली आपके चैनल में 200 से 250 ये एक मिनिमम सब्सक्राइबर है जो मैंने आपको कहा था। सो दोस्तों फ्रेंड मैंने आपको आज बहुत सारे टैक्टिक्स या फिर ट्रिक्स मैंने आपको बताया कि अपने चैनल में रोजाना 200 से लेके 250 कितने के व्यू क्यों कहां से लाते। सो दोस्तों यही सभी चीजें आप अपने चैनल में ट्राई कीजिए, मैं आई एम श्योर 100% कि आपके चैनल का ग्रोथ होना ये अनिवार्य है। सो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ बातें आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें अलग से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके बात में अलग से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं हो सकता है मैं आपसे पर्सनली बात भी कर सकता हूं। सो दोस्तों वीडियो को नीचे सब्सक्राइब करके बटन मिलेगा उसका प्रेस कर दीजिए अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, क्योंकि मैं दोस्तों रोजाना कुछ ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूं अपने चैनल के अंदर। सो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम। Yeah.